नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और मैं आपके लिए यहाँ पे एक लेके आई हूँ मास्क बनाने के लिए नई टेक्निक। और ये नया मास्क हम बना रहे हैं जिसका फ्रेमिंग हमने यहाँ पे कर के रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने मार्किंग यहाँ पे की हुई है और जितनी मार्किंग की है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सबका साइड बाई साइड। तो आपको भी उसी साइज़ से ले लेना है, 4.5 इंच यहाँ का, 2.5 इंच ऊपर से, 3.5 इंच इधर से। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पेपर हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, यानी कि डबल है ये। बीच की जो दूरी है, वो गैप है, वो 6 इंच की रहेगी और एट लास्ट 5 इंच। और बस हमें ये राउंड करके मिला देना है, यहाँ पे कर देना है हमको कटिंग। तो ये फ्रेम हमारा बन के रेडी हो जाएगा, जिससे कि हमें कपड़े पर रख के ये काटने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके दबा लीजिएगा बेल आइकन, जिससे जब भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए, यहाँ पे हमने एक मार्केट से, आप भी मार्केट से यूजुअली कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, या आपके पास कोई पुराना हल्का सूती कपड़ा यानी कि कॉटन का कपड़ा अगर पड़ा हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये डबल लेयर मास्क है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हम दो कपड़े से बनाएंगे। तो इसकी फ्रेमिंग हमने कर ली है, ये है हमारे पास कपड़ा, आप देख सकते हैं, जो कि हमने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, इसको भी हमने कर लिया है डबल फोल्ड और इसके ऊपर रख दिया है हमने फ्रेम जो अपनी कटिंग की है। तो फ्रेम की कटिंग जो है वो नॉर्मली साइज़ है, रैंडम आप इसको उस साइज़ के हिसाब से आप इसको कटिंग कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। और उसके बाद आपको कपड़े पर रख के और इसको मार्कआउट कर लेना है, और बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये घर पे बन के रेडी हो सकता है। तो इससे ये हो सकता है कि आपके पास अगर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है घर में तो उसका रीयूज़ आप कर सकते हैं कॉटन के कपड़े से। अब इसकी कर ले रहे हैं हम कटिंग। तो यहाँ देखिए, हमने ये कपड़े को फोल्ड किया था और एग्जैक्टली वैसे ही हमने काट लिया है। अब चूंकि मैंने बोला ये डबल लेयर मास्क है, तो हमारे पास एक और कॉटन सूती का कपड़ा है, जैसे कि ये वाइट वाला आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी जस्ट हम फ्रेम वैसे ही रख देंगे और इसको भी कट करके निकाल लेंगे, तो ये हमारा डबल लेयर मास्क हो जाएगा, जो कि बहुत कम्फर्टेबल रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो हमने यहाँ पे कर ली है इसकी मार्किंग और इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो जो आप नीचे आप कपड़ा देख रहे हैं, जो वाइट वाला कपड़ा है, उसे भी हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दोनों कपड़े पे कटिंग की है, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये दोनों कपड़ा है, इसको हम पहले उल्टा सीधा देख लेंगे, उसके बाद इसको प्लेस करेंगे ऐसे। ये दोनों ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ यहाँ करके और सिलाई चला लेंगे, और नीचे में सिलाई नहीं चलाएंगे, सिर्फ ऊपर की सिलाई इतने दूर चलाएंगे। तो चलिए हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट करते हैं।
सिलाई करने से पहले हम यहाँ पे इलास्टिक ले लेंगे जो कि है यहाँ पे 11 इंच, 11 से 12 इंच तक आप ले सकते हैं। हम 11 इंच पे ये इलास्टिक पतली वाली है, लगभग हाफ इंच हो, हाँ हाफ इंच की होगी। तो ये मास्क में लगाने के लिए ही आती है और यहाँ से इसको दो पार्ट कर लेंगे। तो हमने इलास्टिक भी कट करके निकाल लिया है, ये एक तरफ लगेगा और ये दूसरी तरफ। तो दोनों कान का हमारा इलास्टिक हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरी रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जिसके कारण जो है वो वीडियो फुल साइज़ में मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है सिलाई चलाना। और हमें यहाँ इस तरफ जो है वो इलास्टिक डालना है अंदर एक तरफ और ये दूसरी तरफ, और इसको हम सिलाई इसके ऊपर कपड़ा रख के और सिलाई इसके ऊपर चला देंगे। फिर हम ऐसे ही गोलाई में सिलाई चलाते हुए आएंगे। और दूसरा इलास्टिक हम यहाँ लगाएंगे इस कॉर्नर पे ऐसे। तो यहाँ पे हमारा साथ साथ जो है वो इलास्टिक भी ज्वाइंट हो जाएगा और दूसरी साइड भी हमें वैसे ही इलास्टिक को लगा देना है, सिलाई चला लेनी है और इस साइड में भी हम सिलाई चला लेंगे। नीचे के साइड में हम सिलाई नहीं चला रहे हैं क्योंकि नीचे के साइड से हमें टर्न करना है। तो यहाँ सिलाई चलाने के बाद हम यहाँ सिलाई के अंदर ही छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जैसे हम किसी कपड़े को टर्न करते हैं तो वो अच्छा उससे बैठता है। तो छोटे छोटे कट्स लगाएं जो सिलाई के अंदर ही हों, उसके बाद से हमें इसे टर्न कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा इलास्टिक यहाँ पर लगा हुआ है, दोनों साइड का इलास्टिक आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए हमारा रेडी हो गया जब हमने इसको टर्न किया। अब इसके ऊपर से हम एक सिलाई चला लेंगे ताकि ये और अच्छे से बैठ जाए। काफ़ी आसान है ये, अगर आपके पास कपड़ा है आप घर पे इसको रीयूज़ करके एक मास्क ये बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई ड्रेस मटेरियल है उसका सेट आपको बनाना है मास्क, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बचे हुए कपड़े को, और आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आप मास्क उससे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ हम ऊपर से चारों तरफ से सिलाई चला लेंगे और इसको कर लेंगे थोड़ा और फिनिशिंग के साथ अच्छा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने चारों तरफ से सिलाई तीनों तरफ से चला ली है और एक तरफ से हमारा जो है वो खुला हुआ है। तो अब इसको यहाँ पे जो हमने बोला था नीचे की तरफ आपको सिलाई नहीं चलानी है, बस तीन साइड से चलानी है, अब नीचे की तरफ से हम इसे सिलाई चला के कर लेंगे जॉइंट। तो इसका फाइनल लुक आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। ये बचा हुआ एक्सेस कपड़ा हम काट करके निकाल रहे हैं और ये हो जाएगा हमारा मास्क रेडी, ये कुछ ऐसे। तो आप देखिए ये इसका फाइनल लुक है। तो ये हमारा मास्क बनके रेडी हो गया है इलास्टिक के साथ। तो आपने देखा होगा बहुत ही इजी और सिंपल है बनाना। तो होप आप ये घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।